हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एम एक्स एक्सेल की सीरीज़ चल रही है, तो पिछली वीडियो में हमने एम एस एच शीट सीखी थी ना, तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे भी सेल परचेज। सेल परचेज कैसे होगा, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर स्टार्ट ओपन किया, एम एक्स एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ रोज और कुछ कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मर्ज किए, यहाँ पर हमने एडिंग दे दी सेल परचेस। उसके बाद यहाँ पर रखकर इसका साइज बड़ा कर देना है, इसे ना कलर वगैरह ऐड कर देना है इस पर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे भाई सबसे पहले तो सीरियल नंबर, फिर उसके बाद लिखेंगे नेम, उसके बाद लिखेंगे आइटम, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रोक, उसके बाद लिखेंगे सेल, उसके बाद लिखेंगे परचेस, उसके बाद टोटल भी इसके सामने लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल भी करना है हमें, तो यहाँ पर टोटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर लगा लेंगे, जैसे कि सीरियल नंबर लगाया। उसके बाद फर्स्ट वाली जो है ना, ये हेडिंग्स वगैरह जो इसको सेलेक्ट कर यहाँ से हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ से कर देंगे बोल्ड और कलर वगैरह भी ऐड कर देंगे इस पर और सेंटर कर देंगे ऐसा। उसके बाद नेम के सामने क्लिक कर यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, फिर दूसरा नेम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरा नेम भी टाइप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मोहम्मद अली हमने लिख दिया। उसके बाद आइटम नेम, जैसे कि हमने यहाँ पर बुक टाइप किया, उसके बाद कॉपी टाइप की, उसके बाद पेन, मतलब कि जो भी आइटम हो उसका नेम। अभी जो बुक है ना, वो हमारे पास 20 बुक हैं, कॉपी है हमारे पास 12 और पेन है हमारे पास 24। उसके बाद सेल कितना, मतलब कि बेचा कितना, 20 के अंदर से 15 चीज़ें हमने सेल कर दी, 12 चीज़ों में से हमने 8 चीज़ें सेल कर दी, 24 के अंदर से हमने 20 चीज़ें सेल कर दी, 20 चीज़ें सेल कर दी। उसके बाद परचेज कितनी की, जैसे कि यहाँ पर हमने 5 चीज़ें परचेज कर ली, फिर उसके बाद यहाँ से हमने 5 चीज़ें कर ली इसमें भी, उसके बाद इसके अंदर हमने 6 चीज़ें परचेज कर ली। इसके बाद यहाँ पर लगेगा फार्मूला टोटल्स का। सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे कीबोर्ड से बराबर के निशाने, उसके बाद स्टॉक पर क्लिक करेंगे। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से करेंगे माइनस के निशाने लगाएंगे ना, माइनस के निशाने लगाने के बाद सेल को क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस लगाकर परचेज को क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये हमारा जवाब टोटल में आ जाएगा। देखिए 20 चीज़ें हमारे पास थी, 15 चीज़ें हमने सेल कर दी और बाकी 20 में से 15 चली गई, 5 बच गई, अब 5 हमने दोबारा से परचेज कर ली तो 5 और ऐड हो गई, कितने हो गए, 10 हो गई। ऐसे ही ये डॉट जो आ रहा है इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करोगे, ड्रैग करोगे तो सब पर ये फार्मूला ऐड हो जाएगा। इससे सबको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दें, उसके बाद यहाँ पर सब टोटल लिख दो, यहाँ से सब टोटल, उसके बाद यहाँ पर सब टोटल कर दो। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन टोटल ऑल सेलेक्ट करने के बाद ओके करो, इंटर करोगे तो यहाँ पर यह सब टोटल भी आपको निकाल कर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास समझ आ गई होगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।